अगर कुछ भी हो, चाहे कितना भी बेकार हो जाए, मामला सारा वोट बीजेपी को जाएगा। बीजेपी वाले सबसे बड़े चोर है। एग्जिट पोल में इसमें धांधली करके चुनाव जीतते हैं। बीजेपी पूरी झूठी सरकार है। किसानों के साथ इतना अत्याचार हुआ कि पूछो मत। किसान कितने मर गए हैं रोड पे। ये सरकार के ही मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा के किसानों को कुचल दिया। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। जितना भाजपा के सरकार में अत्याचार हुआ है, उतना कभी नहीं। यहाँ दिल्ली यूपी जो भी लॉकडाउन में सब लोग मारे गए, पैदल चले, लाश से नदी में फेंकी गई, ऐसा कोई सरकार में नहीं हुआ था जैसा बीजेपी सरकार में हुआ। तो अगर अफगानिस्तान की तरह करवाना है, दूसरे ने अपने घर में बुलाना है, तो भैया किसी को भी वोट दे दो। पर यह है कि भैया अगर अपनी मजबूती चाहिए, अपने देश की मजबूती चाहिए, तो जी बीजेपी को ही वोट जाएगा। नमस्कार, मैं निशा पारचा, आप देख रहे हैं नेशन टाइम। और अभी हम मौजूद हैं साहिबाबाद विधानसभा के लाजपत नगर में, जहां हमारे साथ कुछ युवा लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कुछ सवाल, 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं, तो आइए जानते हैं। जी, आपका सबसे पहला नाम जानना चाहेंगे। आशीष यादव। तो आशीष जी, जो मौजूदा सरकार है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? एक पैसे के नहीं संतुष्ट हैं। क्यों? इसमें कोई फायदा नहीं सरकार में। क्यों फायदा नहीं है? वो इतनी तो योजनाएं बना रखी हैं आप लोगों के लिए। क्या योजना है हम लोगों के लिए बताइए? कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं। सब लोग रोड पे टहल रहे हैं। जितने भी ये युवा लोग हैं, सब रोड पे टहल रहे हैं। कोई नौकरी वोकरी नहीं है बीजेपी सरकार में। जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने तो बोला है कि जो योजनाएं बना रखी है उन्हें युवा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रोजगार है। कुछ नहीं है युवा लोगों को, कुछ नहीं है। मतलब क्या है, जो सरकार मौजूदा सरकार झूठ बोलती है, बस बोलती बोलती है। एकदम झूठी सरकार है बीजेपी, पूरी झूठी सरकार है। किसानों के साथ इतना अत्याचार हुआ कि पूछो मत। किसान कितने मर गए हैं रोड पे। ये सरकार के ही मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा के किसानों को कुचल दिया। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं फिर? 2022 में हम किसानों की सरकार, सपा सरकार। तो क्या लगता है, जो आपका बेरोजगारी जो सही करा सकती है या रोजगार दे सकती है आप लोगों को, वो सपा सरकार दे सकती है? हाँ, वो दे सकती है। सपा सरकार दी है, देगी भी। कब दी थी? 12 में दी थी सबको। जब दी थी तो जाने क्यों दिया? जाने दिया, हम लोग क्या जाने दिया। वहाँ पे इन लोग जो बीजेपी वाले सबसे बड़े चोर है, एग्जिट पोल में इसमें धांधली करके चुनाव जीतते हैं, चोरी करके। अच्छा, मतलब जो मशीनों में गड़बड़ी करके जीते थे वो? हाँ हाँ, अभी बिहार में जितना किए, बिहार में नीतीश और तेजस्वी के साथ हुआ है कि एक एक विधायक जीत गए, फिर आधा घंटा के बाद उन्हें हरा दिया गया। 1000 वोट, 1500 वोट, 2530 विधायक उनका हरा गया। ये बिहार में ऐसे हर थारी बीजेपी वाले धांधली करते हैं। तो आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे अखिलेश जी को? अखिलेश जी को 10 में 10 देना चाहेंगे। और योगी सरकार को? एकदम 0 नंबर। और बीएसपी? बीएसपी भी 2-3% नंबर दे देंगे उसे भी। ऐसा बीएसपी ने क्या किया जो आप 1-2 नंबर दे सकोगे? वो भी की थी, लेकिन जितना भाजपा के सरकार में अत्याचार हुआ है, उतना कभी नहीं। यहाँ दिल्ली यूपी जो भी लॉकडाउन में सब लोग मारे गए, पैदल चले, लाश से नदी में फेंकी गई, ऐसा कोई सरकार में नहीं हुआ था जैसा बीजेपी सरकार में हुआ है। जी सर, आप सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैडम सतीश ठाकुर। आप यहीं पर रहते हो? यहीं रहते हैं जी हम। जो मौजूदा सरकार है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? मैडम जी देखो, मौजूदा सरकार की तो बात ऐसी है कि अगर हम चाहें भी तो कुछ ना कर सकें, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर कुछ भी हो, चाहे कितना भी बेकार हो जाए, मामला सारा वोट बीजेपी को जाएगा। आपने बोला ना अभी कुछ नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते? आपका एक वोट बहुत कीमती है। ऐसा ना इसलिए ना कर सकते, चाहे देखो सरकार किसी की भी आ जाए, ठीक है जी, सरकार किसी की भी आ जाए, होने को तो कुछ है ना। लेकिन एक यो है कि अगर भैया अफगानिस्तान की तरह करवाना हो, तो का ये वोट दे दो, ठीक है, जैसा अफगानिस्तान। अच्छा, मतलब किसी को भी वोट दे दो अगर ऐसा? किसी को भी वोट दे दो अगर अफगानिस्तान की तरह करवाना है, दूसरे ने अपने घर में बुलाना है, तो भैया किसी को भी वोट दे दो। पर यह है कि भैया अगर अपनी मजबूती चाहिए, अपने देश की मजबूती चाहिए, तो जी बीजेपी को ही वोट जाएगा। अच्छा, जो देश मजबूत है, आज जो स्थिति है, मतलब आपको लगता है कि मजबूत है, तो वो बीजेपी करवा सकती है? बिल्कुल, बीजेपी करवा सकती है। और बीजेपी के अलावा 1% कोई ना करवा सकता है। क्यों लगता है ऐसा आपको? मैडम इसलिए हमें ऐसा लगता है क्योंकि जी हमने देखा है अपने, जब तक देखो जी मैं 22 साल का हो गया, ठीक है, 22 साल की उम्र में मैंने इतनी बार देख लिया कि जो भी केस हुए,
पहले मतलब जो भी केस हुए बाहर के किसी से भी लेके, ठीक है, उस टाइम पे इतने मतलब एक्शन वगैरह ना लिए गए किसी भी केस की देश के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर। पर आज के टाइम में भैया देखो, अभी 14 तारीख मतलब वो जो केस हुआ था, मतलब थोड़े दिन पहले वो जो आर्मी वालों का जो केस हुआ था, ठीक है, उसमें तुरंत के तुरंत एक्शन लिया गया था। और किसी सरकार में हुआ इतनी जल्दी तुरंत एक्शन? ये सज्जन तो कुछ और ही बोल रहे हैं। सज्जन तो देखो जी, 5 उंगली हैं, 5 में से 5 एक तो बोलेंगी ना, कोई कैसे बोलेगा, कोई कैसे बोलेगा, जिसकी जैसी इच्छा। में से अगर एक कोई एंटी है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर ऐसे ही है, अब ऐसा तो है ना कि सारी सीटों पे बीजेपी जीतेगी, एक सीट तो निकलेगी। गाइस, में किसकी सरकार आनी चाहिए आपके हिसाब से? बीजेपी की आएगी जी, बिल्कुल बीजेपी की आनी के चाहिए, आएगी बीजेपी की। 300 सीट आ गई जी, पूछने की जरूरत नहीं है, 300 सीट आएंगी इस बार भी। पिछली बार 325 जीते थे, इस बार 300 जीतेंगे। थोड़ी बहुत कम होंगी लेकिन इतनी कम नहीं होंगी। अच्छा, यहाँ का विधायक कौन है? यहाँ के सुनील शर्मा जी हैं। तो आते जाते रहते हैं, काम वाम सही चल रहे हैं? हाँ जी, हमारे साथ मिले हैं, बाकी को पता ना। तो आप क्या पता उनके करीबी हो? हैं जी, क्या पता आप उनके रिश्तेदार लगते? रिश्तेदार देखो जी, नेता जो है किसी के रिश्तेदार नहीं होते हैं, नेता और पुलिस किसी के रिश्तेदार नहीं होते कभी। अच्छा, हम यहाँ पर चाय की शॉप पर हैं और यहीं के मालिक से बात करते हैं। तो आप कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं? सर, मेरी तो उम्र ही 20 साल की है, मैं कितने साल से काम करूँगा। अच्छा, तो पापा काम करते हैं। आप क्या चाहते हैं? आपका काम यहाँ सही चलता है? बिल्कुल। तो आप किसकी कितने संतुष्ट हैं यहाँ की सरकार से, जो अभी मौजूदा सरकार है? मोदी जी क्या बेचते थे पहले? चाय। हम क्या काम कर रहे हैं? चाय। तो क्या लगता है, एक चाय वाला देश चला सकता है? बिल्कुल, चाय वाले चला रहा है जी, उससे पहले किसने चलाया बता दो। अच्छा, मतलब अच्छा चला रहा है, कोई नहीं चला सकता, क्योंकि वो हर इंसान चाय वाला चलाएगा। क्योंकि वो हर इंसान से मिलता है, हर इंसान उसके पास लोग तरीके तरीके का आता है। पर लोग बोलते हैं कि उसकी फैमिली नहीं, उनकी फैमिली नहीं है, एक फैमिली वाला ही फैमिली को समझ सकता है। क्यों, मनमोहन सिंह की फैमिली नहीं थी? उन्होंने कराया कुछ? फैमिली वाला तो जी अपनी फैमिली के लिए करेगा, पर जिसका कुछ है ही नहीं वो किसके लिए करेगा बताओ? वो तो देश के लिए करेगा ना। फैमिली वाला तो अपने बीवी बच्चों के लिए करेगा, अपने बाल को लेकर के लिए करेगा, पर जिसका कोई है ही ना वो तो देश के लिए सोचेगा, वो अपने लिए तो सोचेगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल की और उसकी उम्र होगी अगले की, आगे चल के क्या करेगा वो बताओ? आप बीजेपी मौजूदा सरकार है, योगी सरकार, इसको कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? मैडम देखो, बीजेपी को तो जी पूरा समर्थन है, 10 में से अगर 12 नंबर भी होना तो जी हम 12 देने को तैयार है। और बीएसपी? बीएसपी से हमें कोई मतलब ना, हमें कोई वो है, हमें जी बीजेपी का मतलब है, हम बीजेपी के वोट देंगे, बाकी आपकी मर्जी, जैसा भी आप कहो। ये मतलब बीजेपी को वोट देंगे या आप उनके जो भक्त कहलाते हैं वो? कुछ भी समझ लो जी, चाहे भक्त समझ लो, चाहे वोट समझ लो। मैडम, बीजेपी में रहने का एक फ़ायदा है, पब्लिक कम से कम भक्त कहती है। अब तुम और किसी पार्टी को सपोर्ट करोगे तो तुम्हें कहा जाएगा चमचा, तो बीजेपी में रहो, भक्त कहलाओ। अच्छा, भक्त और फिर चमचे में क्या फर्क है? मैम, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन भक्त एंड चमचा, आई कांट एक्सप्लेन बिकॉज। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में? 10 out of 10। और आप? बिल्कुल मैम, 10 में से 10, मैं कोई शक ही नहीं है, 10 में से 10 देने को। भाई ने जैसा बोला 10 में से 12 होते तो हम 12 भी देते। राम मंदिर जैसी इतनी बड़ी उपलब्धि जो आज तक नहीं हुई। पर सर, राम मंदिर से देश नहीं चलता और ना ही शिक्षा प्राप्त होती है बच्चों को। की बात ठीक है, लेकिन शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं आ रही ना मैम? मैम, इतनी नौकरियाँ मिल रही हैं लेकिन पब्लिक सोचती है नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी बहुत मिल रही है, लेने वाला होना चाहिए मैम, लेने वाला होना चाहिए। बीजेपी सरकार में मेरी फैमिली में 2-3 गवर्नमेंट जॉब भी लगी है, मेरी मामी जी की 69,000 भर्ती में भर्ती हुई हैं वो। आपकी लगी है? मेरी भी लग जाएगी, दिक्कत क्या है? आप अभी क्या करते हैं? प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं गवर्नमेंट जॉब की। अच्छा, आपको पक्का यकीन है कि हो जाएगी मैम? तो ही लगेगी, वरना ना लगने की है। ऐसा क्या है मैम? रिश्वत वगैरह नहीं दी जा, रिश्वत वालों की नहीं लगती है इसमें, जो मेहनत करेगा वो पहले मिलेगी उसे। तो और हमने अभी सुना है, पीछे हम रिपोर्टिंग करके जो आए हैं वो बोल रहे थे कि जो भर्तियाँ निकलती है वो पीछे की साइड, मतलब पीछे को हट जाती है और हम इतनी मेहनत करते हैं। अभी देखिए, अभी 17,000 की भर्ती हुई थी बेसिक शिक्षा विभाग में 6th to 8th स्टैंडर्ड में, तो वो भर्ती जो आप मानोगे नहीं 6 महीने में ही क्लियर हो गई, और उसके जो वो प्रमाण पत्र वगैरह हैं सब दे दी, ज्वाइनिंग वगैरह सब ने जो है कर ली। बाकी भर्तियों में क्या होता है कि कोई कोई कोर्ट में पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है, इसमें तुरंत मैं मेहनत वाले तुरंत लग रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2022 की सरकार को लेके किसकी युवाओं ने जो अपनी राय दी है वो आप लोगों ने देख ही ली है। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं निशा पारचा, नेशन टाइम, गाजियाबाद। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।